नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। राजस्थान के जैसलमेर जिले के सांकड़ा थाना क्षेत्र के जगीरों की ढाणी में मंगलवार को एक विधवा पर हमला कर उसकी नाक व जीभ काट देने का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सांकड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गंभीर घायल महिला का जोधपुर में उपचार चल रहा है। महिला के भाई ने इस संबंध में सांकड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया है। सांकड़ा पुलिस के अनुसार जगीरों की ढाणी निवासी बसीर खान पुत्र कालू खान ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी बहन गुड्डी की शादी 6 वर्ष पूर्व जगीरों की ढाणी निवासी कोजे खान के साथ की गई थी। 1 वर्ष बाद कोजे खान की मौत हो गई। इसके बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग ससुराल के अन्य व्यक्ति के साथ शादी के लिए दबाव डाल रहे थे, लेकिन गुड्डी ने मना कर दिया। मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे दुले खान, इकबाल खान, हासम खान, सली पत्नी हासम खान, फरूके खान, आमे खान, लाडू खान, मनु खान, अनवर खान, सलीम खान, जानू खान, नेमते खान, नेवे खान 2 मोटरसाइकिल व 1 ट्रैक्टर में सवार होकर आए। उन्होंने एक राय होकर गुड्डी पर जानलेवा हमला कर दिया तथा धारदार हथियार से गुड्डी की नाक व जीभ काट दी और दाहिना हाथ भी तोड़ दिया। इस दौरान वहां मौजूद माता बिस्मिल्ला ने बीच बचाव का प्रयास किया तो उस पर भी हमला कर हाथ तोड़ दिया। घायलों को तत्काल सांकड़ा अस्पताल लाया गया। यहां उपचार के बाद गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। शांत समझे जाने वाले पोकरण क्षेत्र में इस प्रकार की घटना से आमजन में सनसनी फैल गई है। क्षेत्र में इस प्रकार की यह पहली घटना है। घटना के बाद मौके पर और अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। इस संबंध में पुलिस की ओर से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस थाना सांकड़ा जैसलमेर थानाधिकारी कांता सिंह ढिल्लों के अनुसार कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही सांकड़ा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस की गाड़ी में ही घायल महिला को अस्पताल लाया गया। SP डॉक्टर अजय सिंह के निर्देश पर कार्रवाई की गई। मुख्य आरोपी जानू खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वे अन्य आरोपियों को नामजद कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए मरुधर बुलेटिन के साथ। नमस्कार।